अपना मेरे छोटे भाई सीमा एमपी कोर्ट को सेंचर वाला एमपी हिसार आज असंध के अंदर कार्यकर्ताओं की बैठक थी और जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव आज से 52 दिन बाद हरियाणा प्रदेश के छठे फेज के अंदर तमाम कार्यकर्ताओं से ये निवेदन किया है कि बूथ लेवल पर संगठन को और ताकतवर बनाने के लिए एक बूथ 10 यूथ कार्यक्रम को मजबूती से लेकर आज जो देश के हालात प्रत्येक जिले के अंदर प्रत्येक स्टेट के अंदर लोग बदलाव चाह रहे और जिस तरह की हालात आज सरकार की है निरंतर सरकार उन परिस्थितियों से बचने का काम कर रही है। आज तो लोग अपने नाम के आगे चौकीदार लगाने लगे जिन लोगों ने 4.5 साल में गांव में बैठे चौकीदार की सुध नहीं ली 3,000 रुपये की तनख्वाह पर एक वादा किया था मनोहर लाल खट्टर जी ने कि उसको साइकिल और एक बैटरी दी आज उस वादे को भी पूरा नहीं कर पाई और अपने नाम के आगे चौकीदार लगाने का काम करिए अपने आप में दर्शाता है कि ये चौकीदार नहीं ये तो ठेकेदार है जिनने 4.5 साल में ठेकेदारी प्रथा को चरम सीमा पर ले जाने का काम किया बड़े बड़े पूंजीपतियों को मुनाफा पहुंचाने का काम किया दवाइयों के घोटाले अपनी चौकीदारी में कराने का काम किया आज अपने आप में ये दर्शाता है कि ये चौकीदार नहीं ये तो कहीं ना कहीं ठेकेदार बनकर इस देश और प्रदेश को खोखला कर बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन की बात फिर सामने आ रही है बीजेपी आम आदमी जेजेपी की मैं उस कमेटी का सदस्य नहीं हूँ और ना मैं इस पर टिप्पणी कर पाऊंगा कमेटी का निर्णय होगा हमने 25 तारीख को अपनी प्रभारियों की एक बैठक बुलाई है उसके अंदर जो 3 सदस्य कमेटी के हैं उनसे उनके विचार रख लेंगे और उसके बाद ही कोई निर्णय होगा सर कैसा सांसद जो है आप अपना उम्मीदवार यहाँ उतारोगे अपने जो है लोकसभा क्षेत्रों में मजबूत साथी उतारेंगे जो इस इलाके की आवाज़ को मजबूती से पार्लियामेंट में उठा पाए और उसको इतना ज्ञान हो कि हलके में कितने गांव हैं और लोकसभा में कितने हलके हैं वहाँ क्या जन समस्या है और किस प्रकार से उस क्षेत्र के विकास की आवाज़ को पार्लियामेंट में उठा के मजबूती से बराला साहब ने जो इनेलो पे टिप्पणी की कि हमारा कोई गठबंधन नहीं और हमने तो डस्टबिन में रखा इस पर तो इनेलो टिप्पणी करे कि आज जो लोग हरा भगवा एक करने की बात कर रहे थे और जिस तरह से चर्चा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा आई ये अपने आप में दर्शाता है कि वो लोग गठबंधन ही विलय को भी आज से आए अगर चौकीदारी करी तो आपको कहते हो हमने सड़कें बनाई फिर ये घपलेबाजी घोटाले क्या कहा हुए कि मुख्यमंत्री के जिले की एक सड़क पे भी आज तालमेल नहीं लोग तो कहते हैं चारा खा गए मैं तो कहता हूँ करनाल आके तो ऐसे लगता है सड़कों का तालमेल भी इन चौकीदारों ने खाने का कहा बुजुर्गों युवा साथियों आज ये हालात प्रदेश की है कि केंद्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि किसी प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध कहीं बढ़ा है तो हमारे हरियाणा प्रदेश में और खास तौर पर महिलाओं के खिलाफ आज हर रोज 2 रेप की घटनाएं हरियाणा प्रदेश में दर्ज होती है छेड़खानी की घटनाओं से आज केंद्र के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा प्रदेश ने बिहार को भी पीछे छोड़कर इस देश में 5वें स्थान पर आने का काम किया बुजुर्गों युवा साथियों ये वही प्रदेश है आज से 4 साल 4.5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आकर ये कहकर गए थे बेटी बचाओ
बुजुर्ग युवा साथियों रोजगार की बात करें तो आपको स्वयं याद होगा कि बड़े बड़े वादे मोदी जी ने किए कि 2 करोड़ को केंद्र में रोजगार देंगे, 1.25 लाख को हरियाणा प्रदेश में रोजगार देंगे। आज एक चीज देखने को मिली कि 4.5 साल में प्रदेश में इनकी सरकार रही, 5 साल केंद्र में सरकार रही और हरियाणा प्रदेश के 37,000 युवाओं को नौकरी देता और 37,000 जहां नौकरी लगे 23 से 25,000 लोग रिटायर हुए और ये कहते हैं हमने रोजगार दिया। मैं तो जो जो ग्रुप डी में नौकरी लगे उनको बधाई दूंगा कि वो नौकरी लग गए, अगर इस चुनाव के बाद लगते तो इतने चौकीदार आ गए थे शायद वो भर्तियां भी बंद हो जाते। बुजुर्ग युवा साथियों मनोहर लाल खट्टर जी आज अपने आप के नाम के आगे चौकीदार लिखते हैं, आपके चारों ओर विधायक अपने नाम के आगे चौकीदार लिखते हैं। मैं आपसे पूछता हूं आपके तो यहां बड़े बड़े गांव हैं 10-10, 12,000 वोटों के गांव, उन गांव के अंदर तो 3-3, 4-4 चौकीदार और हर ग्राम पंचायत में एक चौकीदार, आज चौकीदार 3,000 रुपए तनख्वाह पर। इस सरकार ने वादा किया था कि उसको साइकिल दी जाए, उसको टॉर्च दी जाए। बुजुर्ग युवा साथियों आज 4.5 साल के अरसे में कोई एक चौकीदार ऐसा बताओ जिसको साइकिल और टॉर्च देने का काम इस सरकार ने किया। बुजुर्ग युवा साथियों आज तो यह हालात है कि आधी रात को अगर किसी ने समाचार बुलवाना है तो ठंड के अंदर भी चौकीदार जाकर संदेश लेकर आने का काम। मनोहर लाल खट्टर जी को क्या पता कि 3,000 की तनख्वाह के अंदर वो चौकीदार कैसे अपना घर चलाए, कैसे अपने जूते खरीदे, कैसे सर्दियों में अपनी जैकेट खरीदे। बुजुर्ग युवा साथियों ये तो आज चौकीदार नहीं पूंजीपतियों के ठेकेदार बनने का काम कर रहे हैं और मैं तो कहूंगा कि 8 घंटे का वेतन 16 घंटे बेकार, ना रोटी ना कपड़ा ना टाइम पे पगार, सबसे ज्यादा शोषित आज है तो हमारे प्रदेश का चौकीदार। और चौकीदार बनता है पूंजीपतियों का सरदार, ये लुटेरों की सरकार जिसमें कोई चौकीदार नहीं सब ठेकेदार। बुजुर्ग युवा साथियों आज प्रदेश में ठेकेदारी प्रथा किस चरम पर, आपने स्वयं देखने का काम किया कि किस तरीके से 4.5 साल के अंदर ऐसा कोई वर्ग नहीं, ऐसी कोई नौकरी नहीं जहां इस सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाने का काम ना किया। आज ये गांव के अंदर इंटरलॉकिंग टाइल बिछा रहे ये तो पत्रकार साथी में इससे अच्छी तरह जानते हैं कि वो टाइल बनाने की फैक्ट्री है कौन चलाने का काम कर रहा है। बुजुर्ग युवा साथियों आज युवा की तो ये हालात है प्राइवेट नौकरियों के अंदर भी भेदभाव, गुड़गांव हमारा हिस्सा है 17 लाख नौकरियां गुड़गांव प्रदेश गुड़गांव जिले के अंदर और उस गुड़गांव जिले की 17 लाख नौकरियों के अंदर हरियाणा प्रदेश की हिस्सेदारी केवल मात्र 2-2.5-3 लाख। बुजुर्ग युवा साथी इस व्यवस्था को बदलना है, आज इस व्यवस्था को बदलने के लिए प्रदेश में कानून बनाने पड़े और मैं तो विश्वास के साथ कह सकता हूं जो वादा चौधरी देवीलाल ने किया था जब बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत करी थी और कहा था कि बूढ़े मरना जाइए पेंशन भेजूंगा। मैं तो युवा साथियों को कहूंगा अब तो थोड़ा समय रह गया युवा साथियों थकना जाइयो, जिस दिन प्रदेश में आपका राज बढ़ेगा पहले कदम से 75% हर नौकरी में आपकी हिस्सेदारी होगा। किसान की तो ये हालात है, मुझे याद है
धनखड़ के राष्ट्रीय किसान संघ के अध्यक्ष होते थे और सारी बीजेपी धनखड़ जी के पीछे कुर्ते निकाल कर घुमा सकती थी किसानों के लिए स्वामीनाथन राय को रिपोर्ट लागू करने। 5 साल के अंदर किसान के लिए ना कोई एक नीति बनाने का काम, किसान पे दबाव बनाया गया, बोझ डाला गया और वो बोझ फसल बीमा से बड़ा कोई नहीं। अंग्रेज तो लगान लेते थे तो भी सोचते थे कि फसल बर्बाद हुई तो इस बार लगान माफ कर। ये तो पहली सरकार आई जिसने फसल हो ना हो उसकी चिंता नहीं करी, किसान के पूछने की चिंता नहीं करी, किसान के खाते से जबरन फसल बीमा के नाम पर पैसे काटने का काम। बुजुर्ग साथियों, आज मोदी जी जलेबे में बर्फ लगाने का काम कर रहे, कह रहे हैं कि हमने 6,000 रुपए तनख्वाह दे दी, किसानों को पेंशन दे दी। बुजुर्ग का साथियों, आज किसी के खाते को खुलवा कर देख रहे हो 2,000 से 500 रुपया दिया और 2,000 आपको दे दिया, 2,000 से 500 आपके खाते से फसल बीमा के नाम से काटने का काम किया। आज तो ऐसे ठेकेदार बैठे हैं जो इंश्योरेंस कंपनी उठाकर देखो तो भी रिलायंस सामने आती है, तो भी ICICI आती है, कोटक आती है, बजाज आती है। अगर हरियाणा सरकार चाहती तो तेलंगाना की तरह पर अपने प्रदेश की इंश्योरेंस कंपनी खोलकर हमारे किसानों को और नीची दरों पर फसल बीमा दे सकती, मगर नहीं, मोदी जी के चाहतों को भी फायदा पहुंचाने का काम करना। बुजुर्ग युवा साथियों, अब समय कम, लोकसभा के चुनाव 52 दिन में आपके हाथ में, मगर 52 दिन के अंदर जिस तरह का अपार प्यार जन समर्थन आप लोग देते आए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कार्यकर्ता 520 दिनों जितनी मेहनत करने का काम करेगा, पर उस मेहनत से ज्यादा जरूरी आज ये देखना है कि हम बूथ पर संगठन को कैसे मजबूत करने का काम करेंगे। बुजुर्ग युवा साथियों, एक बूथ 10 यूथ की जिस सोच से हमने शुरुआत करी, वो नहीं है कि एक बूथ पर 1 रुपए के 10 साथियों को लेकर हमने पार्टी को आगे बढ़ाना, हमने तो 1 बूथ 10 यूथ की शुरुआत इस सोच के साथ करी है कि हर 100 वोटों में एक कर्मठ युवा साथी अपनी जिम्मेवारी संभालने का काम करे और वो इस सोच के साथ आगे बढ़ेगा कि 100 वोटों की जिम्मेवारी मेरी है, संगठन को ताकत उन 100 वोटों में लेने दे। और उसके साथ साथ जहां पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, बुजुर्ग युवा साथी, संगठन के अंदर सबसे बड़ी ताकत अगर होते कोई है तो वो नेता भी नहीं होते। अगर आप ये सोचो हम मंच पे खड़े हैं तो हम सबसे ताकतवर, तो ये हमारी भी गलत फहमी है, आपकी भी गलत फहमी है। अगर संगठन की सबसे बड़ी ताकत कोई है तो ये पंडाल में बैठे पार्टी के कार्यकर्ता, आप पार्टी की रीढ़ की हड्डी, आपका प्यार इस संगठन को ताकत देगा। संगठन को ताकत मिलेगी तभी हम जाकर पार्लियामेंट और विधानसभा के माध्यम से आपकी आवाज को मजबूती से उठा पाए। बुजुर्ग युवा साथियों, मेरा तो आपसे ये अनुरोध है, आपसे विनती है कि अब समय लिमिटेड बचा है, जहां सदस्यता की बात आती है हमें घर घर जाकर पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम करना है और पार्टी से जोड़ने के लिए ये अब आप सबको दिन रात एक करकर लगन और मेहनत के साथ एक ही उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना है कि हमने दोबारा चौधरी देवीलाल के विचारों का इस प्रदेश में राज बनाने का काम कर रहे हैं। लोग बड़े बड़े आपका मजाक उड़ाने का प्रयास करें, लोग बारी बारी कोशिश करें कि किसी न किसी तरीके से आपको कमजोर किया जाए। मुझे याद है जींद के उपचुनाव के अंदर जब आपकी पार्टी पहली बार उतरी तो जुम्मा जुम्मा 40 दिन इस संगठन के जन्म को हुए थे और 40 दिन के अंदर सबसे पहले किसी ने आकर बोला तो कांग्रेस ही बोलने लगे तो बच्चों की पार्टी, और उसके बाद एक दल और जो अपने आप को नेक दल बोलता, कहते थे
कि जेजेपी का मतलब जमानत जब्त पार्टी। बुजुर्गों युवा साथियों, जींद की जनता ने आईना दिखा दिया, जींद की जनता ने यह दर्शा दिया जमानत किसकी जब्त हुई। जो लोग आपकी जमानत जब्त करने की बात करते थे, जींद की जनता ने 6 गुना उनकी जमानत जब्त कराने की बात। और जो लोग आपको बच्चों की पार्टी बोलते थे, एक 28 साल के युवा ने राहुल गांधी की टीम के कप्तान को जमानत बचाने से केवल मात्र 800 वोट भारत को दे दिया। और मैं तो हैरान, जब हमें चुनाव चिन्ह चप्पल का मिला तो सबसे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष तंवर साहब का बयान आया और पत्रकार साथियों ने पढ़ा, कहे चप्पल मिल गई, अब तो ये चप्पलम चप्पली हो। हम तो चप्पलम चप्पली नहीं होंगे, हमारा चुनाव चिन्ह तो बहुत अच्छा है, विकास और प्रगति दिखाता है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? सात लोग गए थे एक आई में रणदीप सुरजेवाला की नॉमिनेशन करवाने, भूपेंद्र हुड्डा जी, तंवर साहब, कुलदीप बिश्नोई जी, किरण चौधरी जी, शैलजा जी और उसके साथ कैप्टन अजय यादव और अपने सबसे जरूरी के कैंडिडेट सुरजेवाला, सात लोग एक आई में थे। मारी चप्पल तो फिर भी काम आएगी, थारा हाथ किस काम आएगा, करके मिल के चलना तो सीख। बुजुर्ग युवा साथियों, यहां चुनाव चिन्ह की बात, जब चुनाव चिन्ह लेने की बात आई तो हमने तमाम पार्टी के साथियों से पूछा और एक साथी ने आकर सबसे पहले कहा कि चुनाव चिन्ह चौधरी देवीलाल के खड़ग लेने। और उसके बाद मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा साथी नहीं था जिससे उसको नकारने का काम किया। अगर आज हम चुनाव चिन्ह की बात करें तो चप्पल तो मुकेश अंबानी से लेकर झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले व्यक्ति तक की मजबूरी जरूरत है। आज बात करें, बच्चा पैदा होता है जब चप्पल उसके काम में आती है और बुजुर्ग जब अंतिम पर जाता है जब तक उसके साथ उसके काम देती है। आज महिला भी घर में सफाई करती है, मंडी में जितने आरती भाई बैठे हैं आज इनसे पूछ लो, दुकान में कोई जूता पहन के नहीं आता, पूरे दिन जल्दी पर बैठती है, चप्पल सबसे जल्दी पहनी जाती है और काम आती है। बुजुर्गों युवा साथियों, कर्मचारी हो, मजदूर हो, खेत में काम करने वाला किसान, अगर किसी का कोई साथी है तो हमारी चुनाव से ये चप्पल। और इस चप्पल के इतिहास की बात करें तो जैसे मेरे से पूर्व शेर व शायरी के अंदर दो शेर दोहे कबीर के आपके बीच में रखे गए, वो अपने आप में दर्शाते हैं कि भगवान श्री राम के खड़गों ने तो 14 साल अयोध्या में राज चलाने का काम किया था। तो हम भी हमारे इस चुनाव चिन्ह को चौधरी देवीलाल का आशीर्वाद मानते हुए, उनके खड़ग मानते हुए इसको हरियाणा प्रदेश के प्रगति के पथ पर चलाने का काम करेंगे और एक ही उम्मीद के साथ करेंगे कि हरियाणा प्रदेश के चप्पे चप्पे पर हम चप्पल पहुंचाने का काम करेंगे। बुजुर्गों युवा साथियों, मेरा तो अनुरोध आपसे, मेरी विनती आपसे कि अब समय कम और इस कम समय में संगठन को और ताकतवर बनाने की जिम्मेवारी आप सबकी है। मैं तो अनुरोध तमाम पदाधिकारियों से भी करूं, तमाम जिम्मेवार साथियों से भी करूं, पर एक अनुरोध आपसे भी करूं, अगर कोई गांव में दूसरा बैठा है, कोई आज लोकदल में रह गया, कोई कांग्रेस में बैठा है, बीजेपी में बैठा है, अब ये जिम्मेवारी आप सबकी कि उसको मनाने का काम करें। बुजुर्गों युवा साथियों, ये जिम्मेवारी आपकी है कि नए लोगों को अपने स्कूल में शामिल करने का काम करें। बुजुर्गों युवा साथियों, जींद में 38,000 वोट आए, 38,000 वोटों से राज नहीं बनता। अगर राज बनाना है तो लक्ष्य लेकर चलना पड़ेगा कि हमने 38 लाख का आंकड़ा छूकर इस प्रदेश में परिवर्तन लेकर आए। मैं तो इतना अनुरोध आपसे कर सकता हूं कि आज जो हालात पूरे प्रदेश के लोग एक बदलाव चाहते हैं, लोग एक परिवर्तन चाहते हैं और वो परिवर्तन मैं वैसे दर्शा दूं। बृहस्पति जी कह रहे थे लोग 10 बजे के आए बैठे,
अगर ये भावनाओं का जुड़ाव नहीं, ये लगाव नहीं है, ये परिवर्तन नहीं है, तो समय देखूं तो 3:15 हो गए। कोई पैसे देके भी 5 घंटे नहीं बिठा सकता, ये बिठा सकता है? ये तो दिल का लगाव है, दिल का जुड़ाव है, और एक परिवर्तन है जिसको आज असंध ने अपनाने का काम किया। और मैं तो उम्मीद करता हूं कि करनाल लोकसभा में अगर सबसे पहले परिवर्तन को लेकर आएगा तो फिर वो हमारे असंध के बीच कार्यकर्ता योद्धा लेकर आने का काम करेगा। और मैं तो साथियों एक चीज बोलना चाहूंगा, आज मैं जब आपके पास आ रहा था तो देशभक्त और देशद्रोही की चीज देख रहा था, और दलाई लामा जी का कोई बयान आया हुआ था कि अगर इसी तरह तिब्बतियों पे दबाव बढ़ाया जाएगा तो फिर अगला बुद्धिज्म का मुखिया दलाई लामा जी की जगह कोई हिंदुस्तान से हो। तो उसके ऊपर चाइना ने कहा कि दलाई लामा देश विरोधी। बुजुर्गो युवा साथियों, आज चाइना की ये हालात है कि मजदूर अजहर तो उनके देश के पक्ष का आदमी, और दलाई लामा जैसा व्यक्ति जो देश के अंदर शांति बनाना चाहते हैं उसको वो देशद्रोही बोलने का काम करते हैं। आज बीजेपी भी ऐसा ही कुछ ना कुछ करने का काम कर रही है। आज कोई पूछ दे कि विजय माल्या विदेश कैसे गया, चौकीदार कहा था। आज कोई पूछ दे कि नीरव मोदी लंदन में कैसे घूम रहा है, चौकीदार कहा था। कोई पूछ ले ललित मोदी आज विदेश में कैसे बैठा है, चौकीदार कहा था। कोई पूछ दे करोड़ों रुपए के कपले कर ये बैंक आज एनपीए करा गए, 5 साल में चौकीदार कहा था। तो बीजेपी वाले हथियार उठाकर कह देते हैं ये तो देशद्रोही। बुजुर्गो युवा साथियों, आज दुख होता है आपके पास साझा करते हुए, आज आपके बीच में ये बात करते हुए कि 14 दिन के अंदर 53 जवान बॉर्डर पे हमारे शहीद। 53 जवान की शहादत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आंतरिक सुरक्षा पर, देश की सुरक्षा पर चिंतन करने का काम नहीं किया, उस पर भी राजनीति शुरू कर दी, लेके तिरंगा और देश के अंदर गौरव यात्राएं शुरू कर दी। और मैं तो हैरान था कि जहां 53 जवान शहीद हुए वहां भारतीय जनता पार्टी गौरव यात्रा निकालने का काम कर रही है। क्या ऐसे चौकीदार की जरूरत है जो अपने आप को चौकीदार कहता है पर असलियत में जो बॉर्डर पर हमारे जवान बैठे हैं उनकी सुरक्षा के ऊपर ये गौरव यात्राएं निकालने का काम करते हैं। बुजुर्गों का साथियों, हमें तो गर्व है इस हरियाणा की मिट्टी पर जिससे हर 10वां भारतीय सेना का जवान जाता है। हमें तो गर्व है उन माताओं बहनों पर जिनका बेटा, जिनका सुहाग आज बॉर्डर पर हमारे देश की सुरक्षा में तैनात खड़ा है। हमें तो गर्व है हमारी वायुसेना पर जहां 40 BSF के जवान शहीद हुए 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान की जमीन पर जाकर पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया। बुजुर्गों युवा साथियों, ये राष्ट्रभक्त नहीं है बीजेपी वाले, पर कहीं ना कहीं राष्ट्रभक्ति की आड़ लेकर चुनाव के अंदर हमारी आपसी भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और आपने खुद देखा कि पहले बात किया करते थे जाट नौजात, अभी आपके करनाल में मेयर के चुनाव हुए जब कहा गया पंजाबी नॉन पंजाबी, हिसार में मेयर के चुनाव हुए वहां कह दिया गया बढ़िया नॉन बढ़िया। ये तो हमारे बीच में फूट डलाकर हमें बांटने का तोड़ने का काम कर रहे हैं, पर हमें भी कमर कसनी पड़ेगी, हमें भी अपनी शक्ति ताकत दिखानी पड़ेगी। और ताकत जब ही दिखेगी जब हम एक होकर एक मन बनाकर 1987 जैसी प्रदेश में लहर लाने का काम करें, मुहिम चलाने का काम करें और प्रदेश में एक तरफा परिवर्तन लाने का काम करेंगे। मैं तो आप सबसे यही विनती करने आ जाया था कि आप इस संगठन की सबसे बड़ी ताकत, अगर आप लोग एक रहोगे और आप लोग अपनी ताकत और शक्ति दर्शाने का काम करोगे तभी जाकर ये प्रदेश प्रगति के पथ पर चलने का काम करेगा, तभी जाकर ये प्रदेश एक परिवर्तन लेकर आएगा जिसके अंदर हमारे बुजुर्गों को आज बैंकों की लाइनों में खड़ा होकर 2-2 महीने पेंशन के लिए तरसना पड़ता है, वो प्रथा बंद करके दोबारा उसके घर के अंदर पेंशन पहुंचाने का काम आपकी पार्टी करेगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी है 2000 रुपए की लॉलीपॉप देकर कहीं ना कहीं किसान को लुभाने का वाला काम कर रही है। ये निर्णय तो हमने पहले दिन 9 तारीख को दिन की पावन धरा पर ले लिया था कि जिस दिन प्रदेश में सरकार बनेगी, जिस दिन प्रदेश के अंदर आपका राज आएगा, पहली कलम से
प्रदेश के अंदर किसानों का सहकारी कर्जा पूरी तौर पर माफ करने का आश्वासन। साथियों, मैं तो आपसे अनुरोध विनती करता कि जहां सदस्यता की बात आई, सदस्यता के अंदर केवल मात्र पुरुषों को जोड़ने का काम नहीं करना। आज हमारी माताएं बहनें भी वोटों का आधा हिस्सा है, 50% वोट इनके, इनको भी पार्टी का सदस्य बनाने का काम करो। और आप पर कोई जवाब नहीं है कि 25 रुपए की 30 रुपए की पर्ची काटनी। हमने तो पहले दिन चीन में कहा कि चौधरी देवलाल की सोच के साथ एक वोट और एक नोट के साथ अपने संगठन को ताकत दो। और मैं तो कहूंगा चाहे वो नोट 1 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, मगर अपनी हिस्सेदारी जरूर संगठन में आप डालने का काम करें। जो भी साथी संगठन का हिस्सेदार बनेगा, ये पक्की बात है फिर आगे लोकसभा में पार्टी जिसको भी यहां उतारने का काम करेगी, मजबूती से कंधा मिलाकर उसको ताकत देकर आगे बढ़ाने का भी तमाम साथी काम करेंगे। मैं तो इसी प्रार्थना विनती को लेकर आज आपके बीच में आया था। मेरे से सारे ब्रज शर्मा जी, हमारे रणवीर पाटा जी, प्रेम जी, सारे बारी बारी कहते आए हैं कि चुनरी चौपाल का कार्यक्रम असंध के अंदर करना है, क्योंकि गरमदा ने, नीलो खेड़ी जी और इंद्री ने तो अपने तौर पर ऐतिहासिक कार्यक्रम कर दिए। तो मैं निवेदन करता हूँ, स्थान आप लोगों पर, हल्के के तमाम मौजूद कार्यकर्ता साथी बैठे, स्थान आप लोगों ने चुनना है। मैं तो 6 तारीख शनिवार आपको देता हूँ, चुनाव से पहले है, अभी तो गेहूं में भी नहीं घुसना किसी ने, उसके बाद तो 12 तारीख के बाद कंबाइन आ जाएंगी, सारे किसान व्यस्त हो जाएंगे, अभी तो तमाम साथी फारिग है। मैं ये निवेदन आपसे करता हूँ कि 6 तारीख को, 6 अप्रैल को चौधरी, नहीं 6 को नहीं, चौधरी देवलाल की पुण्यतिथि, 5 तारीख को असंत की पावन धरा पर, जौन सा भी गाँव आप चुने, श्रीमती नैना चौराला जी चुनरी चौपाल के माध्यम से सारी माताओं बहनों को संगठन के साथ जोड़कर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं यही विनती प्रार्थना आपके बीच में लेकर आया था और उम्मीद रखता हूं कि तमाम साथी मजबूती के साथ, लगन के साथ अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में उतरकर बीजेपी कांग्रेस को इस प्रदेश से उखाड़ फेंकने के लिए और मजबूती से संगठन को ताकत देने का काम करेंगे। मैं दोबारा हमारे बीच में शामिल हुए तमाम सरपंच, पूर्व सरपंच, हमारी हल्का अध्यक्षा शिफाली मलिक जी, उनकी टीम का आभार प्रकट करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, बहुत बहुत। Yeah.